परमेश्वर कि अगर तू मुझे नौकरी देगा मैं समर्पण कर दूंगा, मैं बीज बोया करूंगा, परमेश्वर तेरे कामों में हेल्प किया करूंगा, लेकिन परमेश्वर समर्पण करता हूं हर चीज में कि तन मन धन से परमेश्वर मैं कहीं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा, मैं कंपनी बाग में घूमने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं टीवी में बैठा नहीं रहूंगा, मैं 24 आवर्स तेरी बाइबल में दिया करूंगा, तेरी प्रार्थना में दिया करूंगा, तेरे चर्च में आया करूंगा, अर्पण और समर्पण करूंगा। परमेश्वर को बोलता था तब परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में मेरे खल किए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर आत्मा के सामने बार बार बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन ले, पहले मैं भी किसी के लिए प्रार्थना करता था और परमेश्वर मुझसे पूछता था, परमेश्वर कि ये बहन मेरे पास आई है और ये बच्चा चाहती है, ये मेरे से पूछ रही है कितने साल में देगा, कोई आवाज मेरे कानों में नहीं आती थी, कोई बात परमेश्वर मेरे से नहीं करता था, लेकिन जिस दिन से मैंने हन्ना की तरह प्रार्थना करना शुरू किया, रो रो कर गिड़गिड़ा कर, और मैंने कहा कि परमेश्वर मैं मन्नत मांगता हूँ कि अगर तू मुझे भविष्यवाणी दे मेरे पिता परमेश्वर, अगर तू मुझे फाइनेंस दे, तू मुझे चर्च दे, अगर तू मुझे अनॉइंटिंग दे मेरे पिता परमेश्वर, मैं दिन और रात तेरी सेवा में अर्पण करूंगा अपने बच्चों को, अपने घरानों को, अपने आप को, मैं इस समय परमेश्वर तेरे चरणों में अर्पण करता हूँ। उस रात से परमेश्वर ने मेरे से प्रोफेटिक बातें करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कह रहे ये लेहन करते पैसा लेते, बहुत सारे लोग बोलते हैं सौंफ बेचते तेल बेचते, लेकिन उन लोगों को बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा जानता है कि मैंने रास्ते में एक आइसक्रीम भी नहीं खिलाया किसी को आज तक। मैं कह रहा हूँ रास्ते में मैं नहीं रोकता कहीं पर भी, पवित्र आत्मा जानता है कि मैंने एक एक रुपए का हिसाब परमेश्वर रखता है मेरे यीशु मसीह के नाम में। मैंने उसको अर्पण करके आया था, समर्पण करके आया था सेवकाई के अंदर कि परमेश्वर कभी खड़ी खरीदने भी बाजार में नहीं जाऊंगा, ये खड़ी भी किसी ने दान दी है, ये कोट पैंट भी, ये जूते भी, कमीज भी। मैं कह रहा हूँ मेरी एक बहन है सेवा करती है वहां पर इंग्लैंड में, मेरे लिए 1500 शर्ट खरीद कर लाई इंग्लैंड से, दान देकर गई। आज तक मुझे एक भी कमीज 2 साल हो गए मुझे धोनी नहीं पड़ती, एक जाती है दूसरी नवी पहन लेता हूँ। अरे भैया मैं कह रहा हूँ परमेश्वर काम करता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ इस बात के लिए कि मैं एक भी पैसे का हिसाब रखता हूँ, एक भी पैसा जो व्यक्ति यहाँ पर देता है ये परमेश्वर के सामने मैंने अर्पण और समर्पण किया था कि परमेश्वर तेरे पैसे में चोर नहीं रहूंगा, तेरे दशमांश में चोरी नहीं करूंगा, जो तू मुझे देगा करा एक रात मेरे पास होगा, लेकिन अगली रात करा तेरे लोगों के बीच में होगा, वो यीशु मसीह के नाम में तेरे कामों में होगा, वो यीशु मसीह के नाम में। आज आत्मा ने मुझे अगर बढ़कर दिया है तो बढ़कर आशीषें भी दी हैं, क्योंकि वो समर्पण और अर्पण को देखता है। अगर आप परमेश्वर से चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि मुझे मांगना नहीं पड़ता परमेश्वर से, बाइबल बोलती है यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा तेरे मांगने से पहले मैं तुझे दे दिया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। अर्पण और समर्पण अगर आपने किया है और आपकी बात में विश्वास दिखाई दिया परमेश्वर को तो पवित्र आत्मा, और आपने अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा तो पवित्र आत्मा आज वादा कर रहा है, कह रहा है जो तुम मांगोगे मिलेगा। लेकिन ये तो मत्ती की किताब में लिखा, लेकिन यिर्मयाह में पहले से कहा उसने, कह रहा है तेरे मांगने से पहले दे दिया करूंगा। मन्नत मांग रही थी हन्ना, लेकिन उस समय परमेश्वर ने कहा हन्ना कह रहा है तेरे मांगने से पहले दे दूंगा। उसने कहा एलीश को बोल दे, क्योंकि ये तेरी मिनिस्ट्री में अर्पण और समर्पण कर रही है। अगर आज आप अर्पण और समर्पण कर रहे हैं, अगली रात मैं कह रहा हूं कि आंसर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका समर्पण कैसा है, आप किस बात के लिए समर्पण कर रहे हैं? समर्पण करो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं बेड से नीचे जब तक नहीं उतरूंगा, जब तक बाइबल पढ़ूंगा नहीं, जब तक प्रार्थना नहीं करूंगा, तब तक बेड से नीचे नहीं उतरूंगा। ऐसा समर्पण है आपका तो आज रात मेरा परमेश्वर 5 साल नहीं लगाएगा आपको बच्चा देने के लिए, एक छोटी सी नौकरी देने के लिए 5 साल उत्तर नहीं आएगा, 5 मिनट में आएगा आज रात उत्तर यीशु मसीह के नाम में। आपका समर्पण कैसा है? आपका समर्पण है कि परमेश्वर रिश्तेदार आ जाए, परिवार आ जाए, मेरे डैडी मेरे सामने बैठे। एक रात भी मेरी बहन की सगाई थी, लेकिन मैंने अपने डैडी को जवाब दे दिया, मैंने कहा मैं अर्पण और समर्पण कर रखा है, मैं चर्च छोड़कर नहीं जाने वाला। मेरी बहन की सगाई होगी कनाडा में, लेकिन मैं नहीं गया आज तक कनाडा के अंदर। देखिए परमेश्वर है, मैं जानता हूं कि मैं पवित्र आत्मा के सामने अर्पण और समर्पण करके आया हूं, लेकिन विश्वासी लोग बोलते हैं मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। अरे कैसे नहीं आया उत्तर? परमेश्वर को हल्का समझ रहे हो? कह रहा है कि संडे के दिन कह रहा है तुम पिकनिक पार्क में घूमने के लिए जाते हो, लेकिन अगर संडे के दिन आपका अर्पण और समर्पण सच्चा मिला कि परमेश्वर संडे के दिन घर से बाहर नहीं, पवित्र आत्मा तेरे चर्च में रहूंगा, परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं अगर फैक्ट्री का आंसर नहीं आ रहा, आप डील करो परमेश्वर के साथ। लोग बोलते हैं मेरा बिजनेस में डील टूट गई है, अब तक मेरा बिजनेस में डील पूरा नहीं हुआ। अगर तुम्हारी डील आज खुदा के साथ सही है, समर्पण सही है, डील करो आज, आज परमेश्वर एक बड़ी डील तुम्हारी कराने वाला है बिजनेस में, यीशु मसीह के नाम में एक नए बिजनेस में डील आएगी, स्वर्ग से आएगी। आमीन बोलने वालों के लिए आएगी एक नई डील। एक डील नहीं, मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति ने यहां पर आकर गवाही दिया 270 करोड़
डील हुई उसकी। कैसे होगी डील 270 करोड़ रुपए की? क्योंकि वो जानता है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री में आया, जगह जगह गया था लेकिन नहीं काम बना। लेकिन जिस दिन से यहाँ पर आकर समर्पण किया, परमेश्वर ने कहा जा, आज ही तेरे घर में मिराकल होगा यीशु मसीह के।